स्टेटमेंट दैट इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस एंड दैट सरफेस इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. वॉट इज द फिलोसफी ओवर दिस लॉ? So, one of the electric field line properties we have studied in last or earlier classes, that is the total field lines due to unit charge. Fine. What is the total field lines due to unit charge? It is equal to one upon epsilon naught. ये property हम लोगों ने study की थी. So what is its value? 1 upon 8.85 into 10 raised to the power minus 12. So it is equal to 1 upon 8.85 into 10 raised to the power plus 12. Fine. So how many unit positive, how many total field lines are possible due to the unit positive charge? So the value of 1 divided by 8.85, what is its value? 8.85. Its value is 0.1129 into 10 raised to the power 12. It is equal to 1.12 into 10 raised to the power 11 number of field lines. Number of field lines. That field lines are allowed by the free space. Okay, everyone? इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो कौन अलाउ करेगा? दैट इज अलाउड बाय द फ्री स्पेस. फाइन. ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर अलाउड? ओके. यस सर. फाइन. इट मींस इफ आई प्लेस हेयर वन कूलम चार्ज, इफ आई प्लेस हेयर वन कूलम चार्ज, सो ड्यू टू दिस वन कूलम चार्ज how many electric field lines are possible in the space? That is, the value is 1.129 into 10 raised to the power 11 field lines are possible. So if there is 2 coulomb charge, if there is 2 coulomb charge, please tell me how many field lines are possible? 1 upon epsilon, 2 into 1 upon epsilon naught, yes or no? Please tell me. Yes sir. If there are 3 coulomb charge, if there is 3 coulomb charge, that is 3 into 1 by how epsilon many naught. field lines are, very good, very good. If there is 4 coulomb charge, how many electric field lines are there? 4 into 4 1 into 1 upon by 4 pi epsilon. one upon epsilon naught. Then if there is q charge, if there is q charge, then how many electric field lines are possible? q pi epsilon naught. So this is the analogy, that is Gauss law, Gauss used here, that is the total flux enclosed over the surface. अब देखिए, यहाँ पर एक सरफेस को बनाना एक मजबूरी है. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्पेस के अंदर, हमने एक प्रॉपर्टी और स्टडी की थी एंड दैट प्रॉपर्टी इज वॉट के इन द चार्ज फ्री रीजन. इन विच रीजन? चार्ज फ्री रीजन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट Infinity in the charge free region. ठीक है, electric field line charge free region के लिए कहाँ जाएंगे? Infinity पर जाएंगे. Fine. Now, so अब मैं यहाँ पर अगर electric field lines को collect करना चाहता हूँ, so if there is a flow of water and I want to collect that water in form of flux, in form of quantity, then I have to put bucket in front of that pipe or in front of that water. Yes or no? ठीक है, एक बकेट रखना पड़ेगा मुझे, देन ओनली आई कैन कलेक्ट दैट फ्लक्स. सो गॉस ने यहां पर कुछ शर्तें दी. देर आर सम सर्टेन कंडीशंस दैट कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड हेंस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द चार्ज, इट मीन्स देयर इज सम सर्टेन रीजन. दैट इज, अगर यहां पर इस रीजन के अंदर में अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो देन यू हैव टू बाउंड दैट रीजन बाई अ सरफेस. आपको इस रीजन में क्या बाउंड करना पड़ेगा? एक सरफेस बाउंड करना पड़ेगा और उस सरफेस के अंदर चार्ज को रखना पड़ेगा. ठीक है, इसके इसके दो मीनिंग आपको समझाऊंगा. व्हाट आर द टू सिंपल मीनिंग्स? दैट एक सिंपल सी बात है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लासरूम,
there are 20 students, and including Sanjay Sharma, there are 22 students are here. तो हमें जो मतलब है, हमें जो मेन कंसर्न है, हम 22 स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस से मेन कंसर्न है. हु इज आउटसाइड दिस बाउंड्री, वी डोंट हैव एनी कंसर्न. तो देर आर सो मेनी चार्जेस इन द स्पेस. स्पेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर इस रीजन की बात करूं तो. हम हर चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करेगा. तो हमें एक रीजन डिसाइड करना पड़ेगा जिस रीजन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, द क्वेश्चन अराइज व्हाई द सरफेस इज क्लोज्ड. क्लोज्ड सरफेस क्यों होना चाहिए? ठीक है ना, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करना. सो हेयर इफ दिस इज अ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉसिबली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. Fine, in all possible direction. If you make one surface here, अगर आप यहां पर एक सरफेस बनाएंगे, तो बताइए इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट करेंगी. हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इंटरेक्टिंग विद द सरफेस? ओनली 3, 1, 2, and 3. हाउ मेनी फील्ड लाइन आर इंटरेक्टिंग? 3 फील्ड लाइन आर इंटरेक्टिंग. वॉट अबाउट द अदर फील्ड लाइन्स? So are this, is this surface is responsible to collect all the electric field lines? So answer is no. So this surface is not responsible to collect all the electric field lines. So it means this will give error to our calculation. ये चीज हमारे लिए calculation में क्या create करेगी? बताइए. It will error. Create some error. Because of there are 1.129 into 10 to the power 11 field lines are there, and out of these field lines only 3 field lines I can capture with the surface. So what about the remaining field lines? So it means there is a huge error in the calculation. So if the problem is now sorted out, if I make this surface like close, okay, then all the electric field lines covered on the surface or not? Please tell me. Covered. So that is why the first condition here, the surface should be closed. Surface kaisi honi chahiye, jaldi bataiye. It should be closed. ठीक है, it should be closed. अब next point पर यहाँ हम लोग बात करेंगे. That is जो Gauss law की बात कर रहे थे. That is statement की जो बात कर रहे थे हम लोग. That is कहा गया. Yes. This is the. तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर? वैलिडिटी ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, गॉस लॉ की जो वैलिडिटी है वो क्या है? नंबर वन, ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस. किसके लिए वैलिड होना चाहिए? क्लोज सरफेस के लिए. ठीक है, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज ऑल द चार्ज. अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. ऑल द चार्ज शुड इनसाइड कंसीडर्ड. सभी चार्ज उस गॉसियन सरफेस के, उस क्लोज सरफेस के अंदर होने चाहिए. यस और नो? यस सर. ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और रह गया. दिस इज ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस. सो व्हाटएवर दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस. ठीक है, इस सरफेस को हम लोग कौन सा सरफेस बोलेंगे? This surface is what? Gaussian surface. ठीक है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां पर. Now the next point is here. That is, all the charge should be inside the surface. सभी के सभी चार्ज जो हैं, वो सरफेस के अंदर होने चाहिए. ठीक है ना, लेकिन what about the other charges? अगर कुछ चार्जेस जो सरफेस के बाहर हैं, तो क्या होगा?
कोई बात नहीं, वो फ्लक्स तो क्रिएट करेंगे, वो फ्लक्स लिंक तो करेंगे जो सरफेस हमने इमेजिन की हुई है, बट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उसकी वजह से होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज चार्ज दैट इज प्लस चार्ज एंड अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज आई मेड वन गॉसियन सरफेस, मैंने एक क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी. ठीक है, दिस इज वॉट गॉसियन सरफेस, मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी. ठीक है, अब देखिए इफ देयर इज सम चार्ज हेयर दैट इज, यहां पर अगर मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. दिस प्लस क्यू चार्ज विच इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस विल मेक इट्स ओन फ्लक्स, यस और नो प्लीज टेल मी. फाइन, सो हेयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गो इनसाइड द सरफेस दैट इज गॉसियन सरफेस एंड आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस इट गो आउट फ्रॉम द सरफेस. तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है यहां पर, एंटर हो रही है. यहां से क्या हो रही है बताइए, लीव. यहां से क्या हो रही है बताइए, लीव. सो व्हाट इज इट मीनिंग, कोई चेंज आया, प्लीज टेल मी, कोई चेंज आया या नहीं आया. लिसन मी अगेन, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ चार्ज एंड आई मेड दिस गॉसियन सरफेस, मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया. फाइन, अब इस गॉसियन सरफेस की बाउंड्री पर यहां एक चार्ज है. अच्छा, गॉसियन सरफेस है क्या, इट्स अ इमेजिनरी सरफेस, दैट सरफेस इज ड्रॉ बाय मी फॉर माय कन्वीनियंस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज ओनली. सो इट्स अ इमेजिनरी सरफेस, ये मैंने खुद बनाई है इमेजिनरी सरफेस, ये कोई बाउंड्री नहीं है, ये कोई मेटल कैविटी नहीं है. ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल ऐसे समझना नहीं है कि ये मेटल कैविटी है. ठीक है, ये चार्ज है, अगर इस डिस्टेंस तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, फ्रॉम दिस चार्ज इफ आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस इट मींस आई हैव टू मेक वन गॉसियन सरफेस अराउंड दिस चार्ज इन ऑल डायरेक्शन. सो दिस इज द इमेजिनरी सरफेस ओनली. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ चार्ज एंड यू मेड वन गॉसियन सरफेस अराउंड दिस चार्ज, सो this is the boundary of the Gaussian surface, this is the boundary of the Gaussian surface. If one charge is here outside this Gaussian surface, then what will happen, the electric field line going inward to the Gaussian surface, going inward to the Gaussian surface, and from the other side it leave to the Gaussian surface. So if one line enters then one line leave, so what is the total electric flux link with the surface, please tell me. It's zero. Yes or no? It's zero or not? Sir, please repeat that. क्या हुआ, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या, एक बार बताएं मुझे आप लोग, एक फीडबैक दें इफ माई वॉइस इज कमिंग और नॉट. Sir, video is paused due to network that time. Okay, video paused due to network that time. But voice is coming or not? Please tell me, Lavish. Yes, Sahil. Yes, sir. Okay, I'm repeating again. Fine, I'm repeating again. This is the Gaussian surface. Just please listen here. This is the Gaussian surface I made around the point charge. ठीक है, एक point charge के चारों तरफ मैंने Gaussian surface बना दिया. Outside this Gaussian surface, if this is a charge, from this charge electric field lines enter in the Gaussian surface, fine, and from the another side electric field leaves the Gaussian surface. Now it is clear. Yes sir. Fine, so if one field line enters the Gaussian surface, then one field line leaves the Gaussian surface due to the charge placed at outer the Gaussian surface. So what is the net flux linkage due on this Gaussian surface? That is zero. ठीक है, so net अगर एक field line enter होगी और एक field line अगर यहाँ से क्या हो जाएगी, out हो जाएगी, तो net flux कितना बचेगा?
जीरो फ्लक्स बचेगा. सो इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर कि द चार्ज इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, इट डजंट मैटर. फ्लक्स लिंक तो होगा बट इफेक्टिव फ्लक्स नहीं बनेगा. इफेक्टिव फील्ड लाइंस जो होंगी वो लिंक नहीं होंगी. जितनी इंटेंसिटी एंटर होगी उतनी इंटेंसिटी लीव हो जाएगी. सो ओनली दैट फ्लक्स इज पॉसिबल, ओनली दैट इलेक्ट्रिक, ओनली दैट चार्ज इज कंसिडरेबल which is lie inside the Gaussian surface. I hope this is clear to everyone. Yes sir. ठीक है, केवल आपको वही चार्ज कंसिडर करने हैं जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है. ठीक है, जो उसके अंदर enclosed है. Now here, what are the condition? The Gaussian surface should be symmetrical. Third condition is what? The Gaussian surface. Gaussian surface should be symmetrical. Gaussian surface कैसी होनी चाहिए? Symmetrical होनी चाहिए. What is the meaning of symmetrical? Now let's see here. If this is a charge, the electric field line on this surface that I made this Gaussian surface, this is what? Gaussian surface. Fine. And this is the electric field line. And mark the area vector here. This is the surface area and this is the area vector. Fine. Again, this is electric field line. Mark the area vector. So there are different area vectors and different orientation of the small surfaces ds in the given Gaussian surface. So there, how many number of electric field lines are possible due to unit positive charge? So there are 1.129 into 10 to the power 11 field lines are possible. When this much field lines are possible and this much field lines are making link with the surface, this much field lines are linking with the surface, then how much angles are possible? This much angles are possible. When this much angles are possible, so it is quite impossible to add this huge amount of flux. So हमने यहाँ पर गॉस लॉ को सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश की कि भाई इतने सारे सरफेस एरिया के एंगल्स जो बनेंगे तो इतने सारे सरफेस एरिया के एंगल्स को हम ऐड कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. So always we want to make the physics laws very simple. So physics ke laws ko simple banane ke liye humne kuch conditions tayar ki. Kya conditions tayar ki? The Gaussian surface should be symmetrical. What is the meaning of Gaussian surface should be symmetrical? That is ek jaise surface ke liye angles kaise honge? Ek jaise. That is angle is same for a symmetrical surface. Symmetrical surface ke liye angle kaise honge? Ek jaise. So how, what are the angles are possible? That is theta should be 0 degree, theta should be 90 degree or both. तो क्या angle possible होनी चाहिए बताइए? Theta should be 0 or theta should be 90 degree or theta should be both 0 or 90 degree. For example, if there is a line charge, then this is the electric field. If I draw the surface around this line charge, then what type of surface there is? Please tell me what type of surface is there. If I draw the imaginary surface, cylindrical surface. Fine. So at this area, everywhere in the curved surface area, what is the angle? Please tell me. 0 degree with electric field or not? 0 degree with electric field? Please tell me. Yes, sir. And yes, sir. On the upper area, what is the area vector angle with electric field? It is 90 degree. 90 degree. What is the area vector with the electric field? It is again 90 degree. 90 degree. So, what is the condition?
That is the surface, that is Gaussian surface. Whatever you are making the Gaussian surface and whatever is the shape, that shape should be symmetrical और एक जैसे surface के लिए एक जैसे angle होने चाहिए. For example, जिस तरीके से cylinder के curve surface पर सभी angle 0 degree है, all angles are 0 degree and अब top surface और bottom surface पर सभी angle 90 degree है, तो ये it shows the symmetry. किसको show करती है ये? Symmetry को show करती है. Fine. And here, if this is a point charge placed here, and if you are making a Gaussian surface type of spherical type of Gaussian surface, then this is the electric field line. This is the electric field line. This is the electric field line. Now again, relate the area vector with the electric field line. This is the electric field line and area vector. Again, the angle is what? 0 degree. Surface area vector and electric field line. What is the angle? 0 degree. Both are parallel. Again, this is surface area. Area vector and electric field. Area vector and electric field are parallel to each other. So angle is what? 0. Area vector and surface area is parallel to each other. So again, here the angle is 0. So everywhere, किसी भी पार्ट पर हम अगर सरफेस एरिया का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखते हैं तो एवरी टाइम सरफेस एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एवरी टाइम द एंगल इज जीरो. सो दिस सरफेस इज सिमेट्रिकल सरफेस. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल सरफेसेस आर पॉसिबल? जनरली दिस इज नॉट द सिमेट्रिकल सरफेस बट दिस सरफेस एंड दिस सरफेस इज सिमेट्रिकल सरफेस. तो मेनली three types of symmetrical surfaces are possible. Number one, spherical symmetrical surface is possible. Spherical surface and cylindrical is possible. And third one is cuboidal or parallelopiped types are possible. So is this clear to all? This gives you the idea about the Gauss law and its limitation and what are the conditions. 3D shape बोल दें. Yes, beta, please. Symmetrical 3D shapes. Symmetrical 3D shapes. Obviously, ये shape two dimensional नहीं है, my dear. कौन किसका question था ये? अरे नहीं सर, आप बोल रहे हो ना कि ये दो हैं symmetrical, तो मैं बोल रहा हूँ कि 3D shapes सारी symmetrical होती हैं according to. नहीं 3D देखिए 3D सारी symmetrical होती हैं, but I can not use here the conical shape. I can not use here conical shape. ठीक है, दिस इज डिपेंड्स ऑन द चार्ज अरेंजमेंट. दिस इज डिपेंड्स ऑन, डियर हर्ष, ऑन द चार्ज अरेंजमेंट. इफ चार्ज अरेंजमेंट, इफ चार्ज इज रिसाइड ऑन द स्फेरिकल शेल, अगर चार्जेस जो है बेटा स्फेरिकल शेल पर है, तो जो भी सिमेट्रिकल सरफेस बनेगी वो स्फीयर बनेगी. इफ द चार्ज इज पॉइंट चार्ज, अगेन द शेप इज सिमेट्रिकल, दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस. इफ द चार्ज इज ऑन द लाइन, देन इफ यू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, then what type of symmetrical surface is this? Cuboidal. Which type of? Sorry, cylindrical. Cylindrical, very good. Cylindrical type of possible. But in the case of sheet of charge, what is the sheet of charge? If suppose this is a sheet and charges are here and there. ठीक है, चार्जेस इस शीट पर बहुत सारी जगह पर है. इफ यहां पर अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, सो दैट मे बी क्यूबॉइडल और दैट मे बी सिलेंड्रिकल. देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गॉसियन सरफेस. ओके, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई कैन मेक द कॉनिकल टाइप ऑफ सरफेस, फ्रस्टम टाइप ऑफ सरफेस. ओके ओके सर, फाइन, थैंक यू. फाइन, थैंक यू सो मच. सो हेयर कोई ज्वाइन किया था क्या अभी? ओके, सेंड. सो हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. इसकी बात करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, तो इन द सीबीएस, एज पर द सीबीएसई सिलेबस 2021 एंड 22, आई डोंट नो फर्दर व्हाट टाइप ऑफ reduction will be there in syllabus, but now the syllabus which was released in last of March or starting of April, the full syllabus is completely full. Okay,
So it means you please prepare your mind that we have to study the complete syllabus. There is no reduction further. So there is proof of Gauss law. Proof of Gauss law. ठीक है, proof of Gauss law on the basis of point charge, on the basis of point charge. ठीक है, एक important question और आपसे पूछूंगा यहां पर मैं कि what is the mandatory condition for the Gauss law? Is there is follow of inverse square law or not? ठीक है, ये question आपसे जरूर पूछूंगा, इसमें आपको analyze करना है. So if there is a positive charge, मेरे पास यहां पर एक positive charge है. ठीक है, let's say मैं यहां पर एक चार्ज की बात करता हूं, दिस इज अ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इन पॉसिबली स्प्रेडेड इन ऑल द डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है गॉस लॉ को अप्लाई करने का. ठीक है, यहां पर हम गॉस लॉ को वेरीफाई करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? नंबर वन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फाइंड करना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइडेंटिफाई कर ली. नाउ ड्रॉ द गॉसियन सरफेस इन सच अ वे इट फॉलोज द सिमेट्री. ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है? गॉसियन सरफेस को अप्लाई, गॉसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए, गॉसियस लॉ को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है एंड दैट सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल. ठीक है, तो इस चार्ज के चारों तरफ किस टाइप की सरफेस बनाऊंगा, इमेजिन करूंगा, बताइए. स्फेरिकल और सर्कल, प्लीज टेल मी. स्फेरिकल सरफेस और सर्कुलर सरफेस? स्फेरिकल. स्फेरिकल, वेरी गुड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिसाइड एट व्हाट पॉइंट आई हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट अस कंसीडर at this point I have to calculate the electric field and this point is situated at some r distance from the source charge or positive charge, at r distance from the source charge. Fine, now at this r distance everywhere, at this r distance everywhere, mark the surface, mark the surface, mark the surface and join all the surfaces. Sabhi surfaces ko kya kar denge hum log, please tell me. ज्वाइन कर देंगे. आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द सर्फेसेज व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट वन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एंड दैट सरफेस इज ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, प्लीज टेल मी. क्लोज सरफेस. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया था? फर्स्टली वी आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंडली वी मार्क दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, mark the distance and from the equal distances from the charge mark one surface and that surface should be symmetrical and that surface is known as the Gaussian surface. Now uske baad aapko kya karna hai? Identify the relationship between electric field and area vector. Area vector and electric field ke beech mein aapko ek relationship find out karna hai. So here electric field and area vector, electric field and area vector, everywhere, everywhere what is the angle? Please tell me. 0 degree everywhere. The angle is what? 0 degree. Fine. Everywhere the angle is what? Electric field and surface area ke beech ka angle kitna hai? 0 degree. So for the simplicity, I have considered the small area. Let's say this small area is ds. Is small area ko main kya consider kar leta hu? This small area is what? ds. Is ds small area ka mujhe kya nikalna hai? Electrical फ्लक्स कैलकुलेट करना है. फाइन, नाउ अप्लाई द गॉस लॉ. अप्लाई गॉसेस लॉ. फाइन, सो नाउ अप्लाई गॉस लॉ. व्हाट इज द गॉस लॉ? द क्लोज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद सर्कल, इट इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रेशन. ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ. Now expand this Gauss law, close integration, E ds cos theta
is equal to charge upon epsilon naught, net charge over epsilon naught. So here everywhere, what is cos theta? Cos theta is equal to 1 because of theta is equal to 0 degree. Fine. So here, yes, and also the charge is constant within the Gaussian surface, and also the distance r is constant from the charge to the surface. So the electric field is also constant. Electric field is also constant on the surface. Fine. So I can write here E close integration of ds is equal to q upon epsilon naught. Now, here what is ds? Ds is the small area. Ds is the small area for which I have to calculate the linkage of flux. ठीक है, सो यहां पर अगर मैं सभी स्मॉल स्मॉल डीएस एरिया को ऐड करता जाऊंगा, इफ आई एम एडिंग ऑल द डीएस एरियाज, इफ आई एम एडिंग ऑल द डीएस एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल व्हिच इज लाई इनसाइड द गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द सम? डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस, सो व्हाट इज इट्स वैल्यू? प्लीज टेल मी. इंटीग्रेशन ऑफ डीएस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर और नॉट, यस और नो? This will be 4 pi r square. Okay. Is this clear, everyone? Yes, sir. Fine. So this is what? E into 4 pi r square is equal to charge upon epsilon naught. So E electric field, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge upon r square. So this is the electric field due to the point charge. It means the two conclusions are here. The Gauss law is valid for the two conclusions are here. Gauss law is valid for only point charge. Number one, because of the reason is because of Gauss law is valid for inverse because of Coulomb's law is valid for the point charge, and hence electric field law, that is electric field expression, is also valid for point charge. Fine. So electric field or Coulomb's law, dono ke jo expression hai, wo kiske liye valid hai? Wo dono kiske liye valid hai? Tell me. Point charge ke liye. And both follows the inverse square law. Both follows the inverse square law. So there is a mandatory condition. In order to application of the Gauss's law, inverse square law should be followed. क्या फॉलो होना चाहिए? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होना चाहिए. अदरवाइज जो गॉस लॉ का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बदल जाएगा. क्या बदल जाएगा?